तो अब फाइनली बात करते हैं राहु इन टेंथ हाउस के बारे में कि क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे अगर आपकी कुंडली में राहु दशम भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्लाइड में कि राहु के क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। एक मैंने एग्जांपल कुंडली लगा रखी है आपके साइड में। देखिए इसमें जो ये जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है ना, उसको गिनेंगे अगर तो ये दशमा घर होगा और इसी में बैठे हुए हैं राहु। तो यहीं पे अगर आपकी कुंडली में जहां पर इसमें राहु बैठे हुए हैं, आप देखिए यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में राहु बैठा हुआ है तो आप समझो कि आपकी कुंडली का दशमा घर में राहु है। और उसके रिजल्ट अभी देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो राहु 10th हाउस का व्यक्ति को बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक बनाता है। ऐसे व्यक्ति काम में डूबे रहना इनको बहुत पसंद होता है। अगर आप इनको इनके काम से दूर कर दोगे ना, तो ये एकदम मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार काम करने को नहीं मिल रहा है, काम करने को नहीं मिल रहा है। ये लोग आपको पार्टी करते कम और काम करते ज्यादा दिखेंगे। मतलब अगर आप इनको कहीं बुलाओगे, भाई थोड़ा टाइम पास कर ले, आ जाए इधर उधर, इनको बिल्कुल पसंद नहीं। इनको अपना काम से मतलब है और काम से ही इनको बहुत ज्यादा प्यार है। देन बात करें तो डिजायरस, मतलब आप समझो कि डिजायर का कारक ही राहु है। इस मतलब पृथ्वी के एग्जिस्टेंस की सबसे बड़ी वजह राहु है, बिकॉज वो हमें डिजायर देता है और उसी की वजह से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। अब समझो आपके अगर राहु दशम भाव में बैठे तो व्यक्ति को कितना डिजायरस बना देगा उसके काम को लेके, उसके सक्सेस को लेके। वो कितना ज्यादा एम्बिशियस हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है कि वो व्यक्ति कितना ज्यादा एम्बिशियस हो जाएगा अपने काम को लेके, कि उसको किस लेवल पे, मतलब किस हाइट पे उसको जाने का उसका सपना रहेगा। तो मतलब मुझे कहाँ तक जाना है इसकी कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज राहु को लिमिट मालूम नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि इनको सक्सेस ना मिले तो इनकी हैप्पीनेस भी खत्म हो जाती है, क्योंकि राहु इन 10th हाउस शोज कि व्यक्ति अपने सक्सेस के लिए लड़ेगा लड़ेगा लड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली हार्ड वर्क करता रहेगा, हार्ड वर्क करता रहेगा। ठीक है, लेकिन शास्त्रों में 10th हाउस राहु की बड़ी तारीफें की गई। वजह यह है कि 10th हाउस राहु ऐसा लिखा हुआ है कि डायरेक्टली राजयोग बनाता है, राजयोग कारक होता है, पर सबसे बड़ी वजह है उसकी व्यक्ति का हार्ड वर्क। ऐसा नहीं है कि 10th हाउस राहु आपके लाके सब चीजें आपके चरणों में फेंक देगा, ऐसा नहीं। मेहनत करोगे, आप अपनी खींच के ले आओगे अपनी किस्मत से। आज नहीं मिलने वाला होगा तो आपको आज मिलेगा, क्योंकि आप इतना हार्ड वर्क करोगे। और 10th हाउस राहु वाले ना बहुत हार्ड वर्क पे बिलीव करने वाले होते हैं, उनको मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत से, और काम करके ही उनको खुशी मिलती है। अगर 10th हाउस राहु वाला आदमी कहीं अपनी खुशी कहीं और ढूंढ रहा है तो परेशान, कुछ नहीं, उसको सिंपली अपने काम को करते रहना है, करते रहना है, और उसी को करते हुए उसको हैप्पीनेस मिलने वाली है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि राहु 10th हाउस में हो तो व्यक्ति को एक पावरफुल पब्लिक इमेज देता है, मतलब काफी अथॉरिटेटिव इमेज बनती है आपके समाज में कि ये आदमी के पास दम है। और दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए 10 लोगों में, 20 लोगों में, 100 लोगों में कुछ चुनना हो, किसी को चुनाव करना हो, तो वो 10th हाउस राहु वाले को चुनते हैं। सो अब आप समझो कि कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है पॉलिटिक्स के लिए कि अगर राहु 10th हाउस में है तो जनरली ऐसे लोग पॉलिटिक्स में छोटे लेवल पे, जिनकी कुंडली में जितना बड़ा राजयोग होगा उस लेवल पे वो पॉलिटिक्स में उतरते ही रहते हैं, 100% तय होता है। कम राजयोग होंगे तो पंचायत लेवल में इलेक्शन लड़ेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन जगह पे, नगर निगम यहाँ पे इलेक्शन लड़ेगा। देन अगर ज्यादा राजयोग है तो एमपी एमएलए, उससे भी ज्यादा राजयोग है तो समझ रहे हो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन 10th हाउस या फिर केंद्र में कहीं पे भी राहु होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होता है पॉलिटिक्स के लिए। और इसको दूसरे सेंस में समझो तो राहु बहुत अनस्टेबल करियर देता है, और पॉलिटिक्स से बड़ा अनस्टेबल करियर कोई नहीं है। इसलिए अगर राहु की बात करें 10th हाउस, तो ये बहुत ही ज्यादा इमेज जो हमारी बनाता है ना, बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाता है, और लोग लोग हमको चुनते हैं। अगर मान लीजिए 10 लोगों में किसी को चुनना होगा तो वो राहु 10th हाउस वाले को चुनेगा। देन ये लोग बहुत ज्यादा कॉन्सियस होते हैं अपनी पब्लिक इमेज को लेकर, इनकी जो पब्लिक इमेज है वो समाज में खराब नहीं होनी चाहिए। इसलिए काम ऐसा करते हैं कि मतलब इमेज में, इनके जो इनके समाज में जो इमेज बन रही है उसमें इनको धब्बा ना लगे, कोशिश करते रहेंगे अपनी इमेज धुलने की। लेकिन 10th हाउस राहु की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी बोलो आप बुराई बोलो, लेकिन इसका अगर काम नहीं हो, इनको अपना काम करवाना है चाहे बाय हुक बाय क्रुक जैसे भी हो, लेकिन इनका काम होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें डिजायर फॉर फेम की तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब राहु इज ऑल अबाउट फेम। और 10th हाउस में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपना काम करना है, काम में सफलता भी लेनी है, ऊपर से फेम भी चाहिए, दुनिया को भी
इनको उतना ही दिखाना है कि जितने ये हैं, कि मतलब मैंने इतना काम किया है तो मुझे रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, मुझे उस बात की पहचान मिलनी चाहिए। हम राहु बैठे 10th हाउस में, तो राहु पता है आपको कि सडननेस दिखाता है, अचानक से ग्रोथ, अचानक से डाउनफॉल होता है। तो जनरली जिनका राहु 10th हाउस में होता है उनके करियर में या तो सडन राइज होता है, सडन करियर, या फिर सडन डाउनफॉल भी आता है। जिसका जैसा राहु होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो उस हिसाब से रिजल्ट उनको मिलते हैं। एक एग्जाम्पल चार्ट मैंने साइड में रखा रखा है, आप देखोगे तो इसमें 10th हाउस में राहु है, लेकिन इनका 10th हाउस का राहु आप देखो बहुत अच्छा बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मिथुन राशि में बैठा हुआ है और मिथुन राशि में राहु उच्च का हो जाता है, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और जब इनकी कुंडली में राहु की दशा लगी, देन इनका करियर ऐसे एकदम शूट कर गया, एकदम खतरनाक तरीके से राइज हुआ, इनके बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट हुए, काफी अच्छा किया इन्होंने राहु की दशा में, काफी पैसे बनाए, मतलब आप कुल मिला के समझो काफी फेम भी कमाया, काफी सारे पैसे भी बनाए। तो इस तरीके से इनका राहु इनको रिजल्ट देता है और इन्होंने काफी अच्छे से अपने करियर में किया भी। तो ये एक एग्जांपल से हमने देख लिया कि कैसे 10th हाउस राहु हमें अच्छे रिजल्ट देने के लिए मजबूर होता है और मेहनत बहुत, ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं राहु की दशा में। घर में आदमी नहीं रहेगा, घर के बाहर ही 24 घंटे मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, फील्ड में है, फील्ड में लगा हुआ है। इसको परिवार से मतलब नहीं, इसको किसी चीज से मतलब नहीं है, सिर्फ इसको अपने करियर और काम से मतलब होता है। अब ऑब्वियसली आप देखो ना, राहु 10th हाउस में है तो केतु 4th हाउस में आ जाता है, 4th हाउस, तो जनरली ऐसे लोग किसी भी चीज का ना सुख नहीं लेते, क्योंकि मान लो आप आज ये MLA बन गए, ठीक है, नेक्स्ट डे इनको बनना है मंत्री बनना है, मिनिस्टर बनना है, तो नेक्स्ट डे से ही उसकी दौड़ भाग चल रही है। तो जो जो इनको सफलता मिलती है उसका एंजॉयमेंट कम करके जो नहीं मिलता उसके लिए भागने लगते हैं, इसलिए राहु चैलेंजिंग प्लैनेट होता है, ठीक है। तो ऑल एंड ऑल राहु इन 10th हाउस के यही रिजल्ट्स हैं, और अगर किसी की कुंडली में राहु 10th हाउस में है तो वो अच्छा माना जाएगा करियर वाइज, क्योंकि बहुत अच्छा करियर देता है, काफी ग्रोथ कराता है करियर में आपके। तो अगर आप लोग राहु 10th हाउस में है तो भाई साहब खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ को, मेहनत करते रहो, और कभी भी गलत तरीके से काम करने की कोशिश मत करो, बिकॉज वो फिर अगर जल्दी से करियर बढ़ा रहा है तो जल्दी से करियर नीचे भी ले आता है। तो इसलिए अगर राहु 10th हाउस में है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि, क्योंकि कोशिश करते हैं, उनके अंदर एक अंदर से ही एबिलिटी होती है कि काम होना चाहिए चाहे जैसे भी हो, लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि गलत काम करके सफलता पाने की कोशिश ना करें।